आज मैं फिर से आपके सामने एक मूवी का एक्सप्लेन वीडियो लेके आ चुका हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और जल्दी से मेरे 100 के कंप्लीट करवा दे। अगर हो सके तो वीडियो को पूरे देखना ताकि मेरी थोड़ी खासी रीच बढ़ सके। आज मैं एक ऐसी मूवी की बात करने वाला जो कि महिलाओं को काफ़ी रिस्पेक्ट बनाई गई है। जो भी इस मूवी को लड़की देखेगी वो यही चाहेगी कि उसको संतू जैसा पति मिले। क्यों तो मूवी की थोड़ी सी आप कहानी समझ लो, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। इस मूवी में एक फैमिली होती है जिसमें चार लोग होते हैं, मम्मी पापा और उनके बेटा और बेटी, यानी कि चार लोग। और उसमें से उसके बेटे का नाम होता है सत्य प्रेम, जो कि नल्ला निठल्ला बेरोजगार होता है क्योंकि वो 3 बार LLB में फेल हो गया था। उसके कारण उसको घर का कामकाज करने के लिए लगा दिया गया था। और उसके पापा का भी कुछ बिजनेस में अच्छा नहीं चल रहा था, वो भी घर का काम करते थे। और सत्य प्रेम का शॉर्ट नाम था संतू। तो संतू का कोई भी बेस्ट फ्रेंड नहीं था क्योंकि उसके सारे दोस्तों की शादी हो चुकी थी और संतू अकेला ही था जिसकी शादी नहीं होती हुई थी। तो संतू की बस अब एक ही इच्छा रह गई थी कि उसकी जल्द से जल्द शादी हो जाए। और संतू का बेस्ट फ्रेंड उसके पापा ही थे क्योंकि दोनों 3 बार साथ में ही रहते थे और उनके घर का गुजारा उसकी बहन और उसकी मम्मी की वजह से होता था क्योंकि वो गरबा के क्लासेस चलाती थी। इसलिए ऐसा नहीं है संतू को कभी प्यार नहीं हुआ। संतू को प्यार हुआ था जब एक जलसे में जाता था तो वहाँ पे एक लड़की डांस कर रही थी, उसका नाम था कथा, और उससे प्यार हो जाता। तो जैसे ही डांस ख़त्म होता है वो पीछे दौड़ता है और कथा को कहता है कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? तो कथा कहती है मेरा एक बॉयफ्रेंड और हम दोनों खुश है। और वही उसका वो कहने लगता है संतू कि तुम्हारे और तुम्हारे बॉयफ्रेंड का तो कुछ नाम भी मैच नहीं होता, उससे अच्छा हमारा कितना हैशटैग बनता है, हैशटैग सत्य प्रेम की कथा। वही उसका कथा का बॉयफ्रेंड ललन आ जाता है और वो दोनों कार में बैठ के चले जाते हैं। वही फिर से कहानी प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ पर उनके घर में बेरोज़गार था इसलिए कहीं ना कहीं जो विवाद चल रहा था। लेकिन संतू के पापा पंचायती लाल के नाम से जाने जाते थे क्योंकि उनको सारे मोहल्ले सारे शहर की छोटी छोटी जानकारियों के बारे में एक ऐसी जानकारी जो कि अपने बेटे सत्तू को बताता है और सत्तू उछल पड़ता है क्योंकि वो बताता है कि जो ललन कथा का बॉयफ्रेंड ललन था उसका कथा से ब्रेकअप हो चुका है। और वही सत्तू बहुत खुश हो जाता है और दौड़ा दौड़ा जल्दी से जलसा में चला जाता है क्योंकि वो कथा काफ़ी बार वहाँ पर होती थी लेकिन उस दिन वहाँ पे दिखाई नहीं देती। लेकिन कथा के पापा वहाँ पे मौजूद होते तो सत्तू कथा के पापा को पूछता है कि कथा क्यों नहीं आई। तो कथा के पापा उसे बताते हैं कि वो आज उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो वो घर पर ही है। तो सत्तू जल्दी से दिमाग में खुराफाती आइडिया आता है और वो जल्दी से घर पर दौड़ा चला जाता है। तो वहीं पर वॉचमैन उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वॉचमैन को भी नज़रअंदाज करते हुए दीवार को कूदते और जैसे तैसे करके बालकनी से कथा के पास पहुंच जाता है। और वही कथा एकदम मतलब ख़त्म सी हो चुकी हो ऐसे बैठी हुई होती है। वही देखता है तो कथा ने अपने हाथ की नस काट दी थी और वही जल्दी से सत्तू कथा को लेके हॉस्पिटल जाता है। और वही कथा के पापा हॉस्पिटल में आता है और सत्तू को थैंक्स कहते। वही डॉक्टर आता है और डॉक्टर कहता है कि ये सुसाइड केस है तो मैं पुलिस में पड़ेगा। वही सत्तू जो कि LLB में कुछ डायलॉग दे मारे तो वो वहाँ पे बोल देता है और कथा के पापा को इम्प्रेस कर देता है। वही से अब कथा के पापा कथा की शादी कराना चाहते थे लेकिन उसकी शादी नहीं हो पा रही थी क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ललन के बारे में सब शहर वालों को पता चल गया था और ये भी बात पता चल गई थी कि कथा ने सुसाइड करने की कोशिश की थी। तो क्या कथा के पापा के मन में एक विचार आता है क्यों ना सत्तू यानी कि सत्य प्रेम को ही पसंद किया जाए। तो एक दिन सत्य प्रेम के घर पर रिश्ता लेकर पहुंच जाते और कथा के पापा को सत्तू और सत्तू के घर वाले सभी बहुत ज़्यादा पसंद आ जाते और वही रिश्ता पक्का करके आ जाते हैं और अपनी बेटी को कहते हैं मेरा ने तुम्हारा रिश्ता सत्तू के साथ कर दिया। लेकिन उनकी बेटी नहीं मानती क्योंकि वो थोड़ी डिप्रेशन में थी। लेकिन कहीं ना कहीं कैसे भी करके कथा के पापा कथा को मना लेते यह कह कर के अगर तुम ये शादी के लिए नहीं मानी तो मैं सुसाइड कर लूँगा। और वही कथा मान जाती है शादी के लिए और कुछ दिनों में उनकी सगाई हो जाती है और शादी भी हो जाती है। वहीं पे सत्तू बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि उसकी शादी उसकी मनपसंद लड़की से हो रही थी। लेकिन कथा बिल्कुल भी खुश नहीं थी क्योंकि उसे शादी करनी ही नहीं थी या फिर उसे टाइम चाहिए था। वही
सत्तू को जिस टाइम का बेसब्री से इंतज़ार था वो टाइम अब आ जाता है उसके स्वागत का। उसका कोई पर्सनल कमरा नहीं था तो उसके स्वागत का जो सारा उसके मम्मी और बहन के जो हॉल में गरबा सीखा थी उसी में सजावट की जाती और वही दोनों साथ में लेटे होते तो वही कथा कहती है। कथा और सत्तू के बीच में बातचीत होती तो सत्तू उसे बताता है कि मैं अभी तक वजन हूँ क्योंकि मेरी को गर्लफ्रेंड बनी नहीं। वही कथा कहती है कि मैं थक चुकी तो मुझे मैं सो जाती और वही दोनों सो जाते। लेकिन सत्तू को थोड़ी देर बाद नीचे आके उसके पापा के पास सोना पड़ता है क्योंकि उसे खराटे लेने की आदत था को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा था। वही कई दिनों तक ऐसे ही बना रहता है कि मुझे कथा के साथ सोना है और कथा के पास आके सो जाता है। वही कथा उसे बताती है कि मैं एसेक्सुअल मतलब मुझे सेक्स की कभी भी फीलिंग नहीं होती। और यह सुनते ही सत्तू का बहुत डिप्रेस हो जाता है और बहुत ही टेंशन में रहने लगता है। दूसरे दिन तुरंत ही जाके कथा के पापा से मिलता है और कथा के पापा को बताते हैं कि यह सारी प्रॉब्लम हो रही है। और कथा के पापा बताते हैं कि वो अभी डिप्रेस है, उसने सुसाइड करने की कोशिश भी की थी। मतलब तुम समझ सकते हो वो कितनी परेशान है, उसे थोड़ा अपने साथ कंफर्टेबल करो और फिर सब ठीक हो जाएगा। और सत्तू ऐसा ही करता है, उसके साथ कंफर्टेबल हो जाता है, जो भी मन में आता है बोल देता है क्योंकि सत्तू का ऐसा मानना था कि सच बोलने में सोचना नहीं। वही थोड़े दिन बाद कथा खुद सत्तू से कहती कि मैं तुम्हारे साथ सोना चाहती और कथा वहाँ पे सत्तू को बता देती कि मैं एसेक्सुअल नहीं हूँ। और वहीं पे सत्तू की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। लेकिन वही थोड़ी देर बाद वो एकदम बुरे सपने में चली जाती है और कहने लगती है मुझे छोड़ दो, दर्द हो रहा है, ऐसे मत करो। वही सब कुछ बैठा बैठा सत्तू देख रहा होता है और सत्तू को पता चल जाता है कि अभी कथा किस स्थिति से गुजर रही है। सत्तू जल्दी से कथा के पापा के पास जाता है और कथा के पापा को बताता है कि सच सच बताओ कि कथा के साथ क्या हुआ है। तो कथा के पापा कहते हैं अगर कथा तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती तो दो तार तमाचे मारो, अपने आप लाइन पर आ जाएगी। वही सत्तू का हाथ उठ जाता है और उसके पापा से ऐसे ही बताते हैं कि कथा एक साल पहले प्रेग्नेंट हो गई थी उसके बॉयफ्रेंड के द्वारा। और वही गुस्सा होकर चला जाता है और उसके बॉयफ्रेंड ललन के ऑफिस में जाकर ललन को बहुत पीटता है। और वही घर पे शाम को जेल हो जाती है लेकिन फिर भी जेल से छूट के आता है। तब उसको कथा बताती है कि उसके साथ क्या हुआ था। एक दिन एक साल पहले जब वो उसके बॉयफ्रेंड के साथ डेट पे गई थी तो उसने उसकी ज़बरदस्ती उसका रेप कर दिया था। वो लेके एक लंबे वेकेशन पे चला जाता है और वहाँ पे बहुत सारे इंजॉय करते, बहुत गाने आते और बढ़िया कंफर्टेबल रहते। और उसके बाद सत्तू के घर एक सत्यनारायण की कथा होती है जब एक केस फाइल कर देता है लल्लल के खिलाफ। और सत्तू अपने पापा से साइन मांगता है और कथा से भी साइन मांगता है। यहाँ पर कथा कहती है कि मेरे पास सुसाइड करने की तो हिम्मत थी लेकिन केस फाइल करने की हिम्मत नहीं थी। और सब यही डर 99 लड़कियाँ ये डर से केस फाइल नहीं करती कि उनकी इज्जत चली जाएगी और इसी के कारण रिपीट सारे आम घूमते रहते। और वही कथा साइन कर देती है और ये इस कहानी की इस फिल्म की यही पर एंड होता है। अगर मूवी आपको रिव्यू अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।